बा बनाने के लिए हम लगाएंगे डेढ़ नुकात, ठीक है, एक नुक्ता और आधा नुक्ता। अब इसके अंदर कर्व करते हुए हम वही शेप बनाएंगे जो हमने अलिफ की टेल में बनाई थी, बस ये कर्व हो जाएगी। अलिफ की टेल में कर्व नहीं होता, इसमें ये कर्व होता है, ठीक है। अब इसकी नोक से हम एक स्टोक उठाएंगे जो नीचे की तरफ आएगा, फिर ऊपर जाके राउंड होगा, ठीक है। ये देखें, ये एक नुक्ता नीचे आएगा और बा के नीचे स्टोक लगाएंगे तो वो आधा नुक्ता होगा। बा के बराबर में लगाएंगे इस लाइन से इस लाइन तक तो वो एक डॉट होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से लाइन सिर्फ इतनी ऊपर लानी है कि स्टोक की इस लाइन तक ऊपर आएगी, ठीक है, पूरी ऊपर नहीं लेके आएंगे। इसके अंदर फाइव डॉट्स आएंगे, ठीक, और इसके अंदर यहाँ से अगर हम लाइन को सीधा मार्क करेंगे तो अंदर भी आधा नुक्ता बनेगा। ये मेजरमेंट होती है ताकि आप बा की फॉर्मेशन को ठीक तरीके से समझ सकें। अब देखें, यहाँ पे मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ लेकर आई तो ये गलत हो गया। तीन नुकात तक जो लाइन नीचे आएगी वो कर्व भी होगी और नीचे की तरफ भी आ रही होगी, फिर ऊपर जाएगी दो नुकात। देखें, स्ट्रेट नीचे लेकर नहीं आएंगे, कर्व करते हुए नीचे लाएंगे,